सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी बड़ी खबरों में स्वागत है। तो बहनों, बात करेंगे पहले मध्य प्रदेश की, जहां पर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा और पेंशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। जी हां, अब योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा होगा। 2 लाख तक का बीमा अब सरकार कराएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। तो पूरा मामला क्या है बहनों, यह भी हम देख लेते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि उनका कम से कम 2 लाख तक का बीमा तो अब सरकार कराएगी, नहीं अन्यथा इतने बार ज्ञापन सौंपा जाने के बावजूद बीमा को लेकर कोई भी बात जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई थी। इसके अलावा कई और भी लाभ हैं बहनों, सब कुछ हम देखेंगे अब नीचे। तो हम बात कर रहे थे जिस बीमा की योजना की, वह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ, 2 बीमा की योजनाएं हैं, एक जीवन ज्योति बीमा है, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो इनके तहत ही बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर की बात यहाँ पे की गई है। मतलब कि भगवान न करे किसी भी कारणवश किसी भी हादसे में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए उसे मिलेगा। दुर्घटना में अगर मृत्यु नहीं होती है, बहन घायल है, विकलांग है, ऐसी आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अच्छी खबर यही है कि वर्कर्स के लिए कम से कम अब 2 लाख का बीमा तो सरकार कराएगी, क्योंकि इतने के अपन में अभी तक पेंशन और बीमा की बात हुई है तो पेंशन का तो सरकार ध्यान फिलहाल नहीं दे रही है। पता नहीं, हो सकता है आगे पेंशन की भी बात हो, लेकिन बीमा तो 2 लाख करवाना अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आयुक्त महोदय सोफिया सिद्दीकी फारूकी ने भी बोला था कि आने वाले नवंबर के अंदर तक हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा भी कराएंगे, साथ ही पेंशन वाली भी बात कही गई थी। तो देखते हैं पेंशन को लेके जुड़ी खबर आंगनबाड़ी के लिए कब तक आती है। यहाँ पे बहनों हम बता दें कि जो दोनों बीमा योजना है वह क्रियान्वयन आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय से जमा किए जाने वाले बैंक खाते से संबंधित होगा। मतलब कि जिस बैंक खाते में आपका मानदेय वाला पैसा आता है उसी से यह बीमा वाला जुड़ा रहेगा। हम बता दें बहनों कि बीमा योजना की जो प्रीमियम राशि है आंगनबाड़ी वर्कर्स के सहमति से काटी जाएगी। मतलब कि जो भी आंगनबाड़ी चाहे तो अपने सहमति से ही अपनी राशि बीमा के लिए कटवा सकती, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ नहीं कि आपको बीमा करवाना ही करवाना, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो भी मर्जी होगी तभी आपका बीमा का पैसा काटा जाएगा। और बीमा का पैसा कितना काटा जाएगा बहनों, यह भी हम आपको आगे बताते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए मिनी कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या सहायिका हो, सभी को 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से होगा। मतलब कि 436 रुपये हर साल आपका प्रीमियम भुगतान कटेगा बीमा के लिए, वह भी अगर आप कटवाना चाहती हैं तब कटेगा, नहीं कटवाना चाहती हैं बीमा के लिए 436 रुपये तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी दी गई है कि किस उम्र या आयु तक के लिए ही यह लाभ है। हम बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 59 आयु वर्ग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम भुगतान से दुर्घटना एवं मृत्यु के और
स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख का प्रावधान रहेगा। मतलब 18 से 59 वर्ष तक की आयु का जो है तो यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कवर करेगा, न उससे कम न उससे ज़्यादा। तो अब बहनों, आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग 436 रुपये बीमा का कटवाती हैं या फिर आप अपने मन के अनुसार और भी ज़्यादा राशि कटवा सकती हैं। वह तो कम से कम जो राशि की लिमिट है वह सरकार की तरफ से 436 है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा पैसा कटवा के अपने बीमा को उस हिसाब से सफल बना सकती हैं जो कि आधार कार्ड के हिसाब से 59 वर्ष तक आपका रहेगा। तो बहनों, इस मामले में आपके कोई भी सवाल जवाब हो, आंगनबाड़ी से जुड़े कोई भी सवाल जवाब हो, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक बहनों ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के पास ऐसी खबरें पहुँच सकें। इसी के साथ हम मिलेंगे आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य एवं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बहनों, नमस्कार।